Hi, I'm Rasmi and welcome to Sahasra tutorial. In this video, we will discuss about Standard 1 English book, New Learn Well का Assignment 1 का question answer. इस video में हम discuss करेंगे. So, let's discuss. So, here is the Assignment 1 and we will discuss the all question answers. If you are a new user, then first subscribe this channel to get the all notifications. And all videos. So let's start. First question is टेक the correct statement in each pair. ये जो pair दो एक question में दो sentence है, दो sentence में से कौन सा sentence सही है ये हमें लिखना है. मतलब जो सही है उसमें टेक लगाना है और जो गलत है उसमें cross लगा देंगे तो कुछ भी problem नहीं, अगर उसको खाली छोड़ देंगे तो कुछ भी problem नहीं. सो पहला क्वेश्चन इज रैबिट कैन नॉट फ्लाई. यहाँ पर भी रैबिट कैन नॉट फ्लाई लिखा हुआ है और यहाँ पर भी रैबिट कैन नॉट फ्लाई. सो इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है? ये वाला सेंटेंस सही है, पहला वाला जो आई कैन स्विम उसमें था कैन नॉट, तो ये वाला सही है. ए रैबिट कैन नॉट फ्लाई, और ए रैबिट कैन नॉट फ्लाई ये गलत है. इसमें क्रॉस लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको खाली छोड़ देंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैबिट इज ए बर्ड. रैबिट एक बर्ड था और जो स्वान था वो एक स्वान एक बर्ड है और रैबिट एक बर्ड है. उसमें से सही क्या है? स्वान एक बर्ड है तो स्वान में हम टिक लगाएंगे. ए रैबिट इज ए बर्ड इज रॉन्ग. नंबर थ्री में क्या है? ए रैबिट कैन हॉप, मतलब रैबिट जंप कर सकता है. ए क्या? ए स्वान कैन हॉप, स्वान जंप कर सकता है. इसमें से सही क्या है? रैबिट जंप कर सकता है, स्वान नहीं. स्वान तो उड़ सकता है. सो ये रैबिट कैन हॉप ये वाला सही होगा और ये गलत होगा. नंबर फोर क्या है? रैबिट हैज विंग्स. ये रैबिट हैज विंग्स, रैबिट का विंग है और ये स्वान हैज विंग, स्वान का विंग है. तो इसमें से क्या है? ये बर्ड है तो इसका विंग होगा. रैबिट एक बर्ड नहीं है तो उसका विंग कहाँ से आएगा? ये गलत है और ये सही है. नंबर टू में क्या है? नंबर टू में कंप्लीट द सेंटेंस बिलो. इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं. तो ये है वी शुड डैश, मतलब हमें क्या करना चाहिए. व्हाट शुड वी डू? वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए. वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स की बात माननी चाहिए. वी शुड नॉट, हमें क्या नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या नहीं करना चाहिए. राइट ऑन द वॉल्स, वॉल में लिखना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट राइट ऑन वॉल्स, ये ऑलरेडी हो चुका था तो ये उसका रिविजन है. इसमें से बस जो दो लेसन था उसी दो लेसन को लेके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, बस उसी को सॉल्व यहाँ पर करना पड़ेगा. तो लास्ट जो है थर्ड बिट में क्या है? चूज द करेक्ट वर्ड टू कम्प्लीट इच सेंटेंस. यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और ऑप्शन में से क्या सही है उसको लिखना है. आई डैश मिल्क डेली, ईट है और ड्रिंक है. मिल्क को हम खाते हैं या फिर पीते हैं? मिल्क पीते हैं. आई ड्रिंक मिल्क डेली. और लास्ट क्वेश्चन इज आई डैश माई कंट्री, लव है और ओबे है. आई लव माई कंट्री, मैं अपनी देश से बहुत प्यार करती हूँ. देश को मानती हूँ नहीं होगा, मैं देश को बहुत प्यार करती हूँ. आई लव माई कंट्री, तो यहाँ पर लव होगा, यहाँ पर ड्रिंक होगा. और वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड नॉट राइट ऑन वॉल्स. बस यही था. वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच. अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कीजिए और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.